अज की वीडियो का टॉपिक बड़ा क्लीयर है जिहड़ा IRCC वालों एक डिजिटल सोल्यूशन कढ़िया गया क्योंकि उन्होंने वालों चीज़ क्लीयर कर दी गई है कि जिसका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हैगा चिनूक सॉफ्टवेयर जिस करके रिजेक्शन आ गई तो रिजेक्शन के जोड़े रीजनस ने उ दो तीन रीजनस ने आए। सो जी ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है बिल्कुल उन्होंने डिसीजनस ने। सो अगर किसी भी बच्चे की रिजेक्शन का रीजन ये आ रहा है तो बच्चे को लगता कि मेरी फाइल बहुत अच्छी सी मेरे एजेंट वालों कोई मिसटेक नहीं हुई एजेंट नाल डिस्कशन करो दोबारा। हाँ जी सत श्री अकाल जी, उम्मीद करता तुम सारे जने चढ़ती कला चो के तंदुरुस्त होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो इतिहास से बस दे रहे हो। सो अज की वीडियो का टॉपिक बड़ा क्लीयर है जिहड़ा IRCC वालों एक डिजिटल सोल्यूशन कढ़िया गया क्योंकि उन्होंने वालों चीज़ क्लीयर कर दी गई है कि इन्ने वीजा ऑफिसर नहीं है कि जिन्निया फाइल्स होंदिया ने उस हिसाब न हरेक फाइल नू कल्ले कल्ले तौर पर चैक करना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है, जिस करके वो डिजिटल इंटैलीजेंस डिजिटल सोल्यूशन का हैल्प लेंदे ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जिसका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हैगा चिनूक सॉफ्टवेयर जिस करके जो फाइल्स चैक होंदिया ने तो वीज़ा आना ना आना प्रॉपरली सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है। पिछे जे बहुत समय च जो PT की रिजैक्शन आई हैं वो सीधा चिनूक सॉफ्टवेयर इस तरीके ही कमांड दी गई है भी जिथे PT की फाइल देखी रिगार्डलैस 60% ने 80% ने 90% ने रिजैक्शन का सामना करना पाया। बट प्रॉब्लम उदो आती है जो बच्चे ने PT की जगह IELTS की हो 78% होन। अज साढ़े भी एक स्टूडेंट की एक रिजैक्शन आई है जिसे 78% +2 2022 पास आउट 6.5 बैंड्स ओवरऑल नॉट लैस दैन 6 बहुत वधिया कॉलेज के जा रहा है 2 ईयर का डिप्लोमा से रिजैक्शन आ गई तो रिजैक्शन के जोड़े रीजनस ने उ दो तीन रीजनस ने IRPR 216 सैक्शन वाला तो फ्यूचर प्रोस्पैक्ट्स हो गया मिसिंग मार्कशीट्स हो गया वैसे जनरिक जो रीजन ने तो यह भी है कि नोट्स में डिफाइन भी की जाती है कि जोड़ा वो रिजैक्शन ने वो चिनूक 3+ के दोबारा थोड़ी फाइल चकी गई है। सो इतने प्रॉब्लम कितने आती है सो उस बच्चे की रिजैक्शन समझ लें आप जिस बच्चे की प्रोफाइल बहुत वीक है एकेडेमिक बहुत लो है जो 2019 टेंथ की है 2021 गवर्नमेंट ने पास किया दोनों 50-55% ने PT की है या IELTS की है नहीं की दैट्स डिफरेंट पार्ट मतलब फाइल बहुत कमजोर है उत्थे तो आप गल मनते हैं। बट इतने समय की बर्बादी बच्चे की अड तो हरासमेंट अड तो जिहड़ा अंबैसी फीस दोबारे 9-10 हज़ार रुपया लाना वो टोटली डिफरेंट पहले बच्चा रुपया मसा जोड़ता है। सो जी ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है बिल्कुल बेकार है IRCC वालों। सो असी उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी बच्चे की प्रोफाइल्स ने सही प्रोफाइल में वीज़ा दिता जाए जिहड़ी प्रोफाइल सही नहीं हैगी उसनू रिजैक्शन दी जाए बट उसका रीज़न क्लीयर कर दिता जाए कि इस रीज़न करके तुहाड़ी फाइल में रिजैक्ट किया जाता क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता यार भी साड़ी रिजैक्शन किस बेस पर है। बच्चा उसके एजेंट के गुलामे में हाथ पाँगा बच्चे को पता नहीं होता ना बच्चा उसके पेरेंट्स को दस सकता पेरेंट्स को लगता पता नहीं कोई डॉकूमेंटेशन एक्स्ट्रा लगा दी हो पहला PT में लैके रिजैक्शन बहुत सी हूँ IELTS में लैके रिजैक्शन बहुत ने बच्चे बेचारे फिर सोचते हैं फिर 5-10 हज़ार रुपए की SOB बाहरों बनवाते हैं कितों फिर दोबारा अपलाई करते हैं जो जो भी रीजनस ने ठीक है बेकार रीजन दिते होंगे ने सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारे रीजन एक्सप्लेन करके दोबारा प्रॉपर तरीके दोबारा SOP डिफाइंड करके अंबैसी फाइल लगाओ तुहाड़ा वीज़ा आऊगा क्योंकि तुहाड़ा वीज़ा पहला ही आ जाना चाहिए जिस तरीके असीं इस बच्चे का करांगे ये ऑटोमेटेड रिजैक्शन का सिलसिला इदां चलता रहेगा। सो इसका कोई तोड़ नहीं है एक हुण नवां सॉफ्टवेयर लैके आउणगे क्यूमलस हुण देखदे आ हुण ओह कि स्टडी वीज़ा च कम करेगा या वर्क परमिट ओपन स्पाउस च कम करेगा वो सो उहदी हुण देखदे आ आपां। बट बाकी है इस रिजैक्शन का हल सिर्फ यही है रिजैक्शन आ गई बच्चा चुप चाप अंबैसी जी दोबारा फाइल लगा ले थोड़ा टाइम वेट करके जब फैडरल कोर्ट ऑफ कैनेडा दे विच केस लड़ो उधर टाइम अलग थोड़ा जाऊगा हरासमेंट थोड़ी अलग तो कोई बंदा चाहता नहीं ये चीज़। सो ये IRCC की बहुत नैगेटिव चीज़ है मैं परसनल तौर पर इस चीज़ की निंदा करता बहुत रोंग इन्हां दे डिसीजनस ने। सो अगर किसी भी बच्चे की रिजैक्शन का रीज़न ये आ रहा है तो बच्चे को लगता कि मेरी फाइल बहुत अच्छी सी मेरे एजेंट वालों कोई मिसटेक नहीं हुई एजेंट नाल डिस्कशन करो दोबारा फाइल अप्लाई करो इस एजेंट का कोई दोष नहीं ना ही तुहाडा दोष सिर्फ IRCC वालों जिहड़ा यूज़ किया गया चिनूक सॉफ्टवेयर है। सो बाकी नैक्सट वीडियो गल करांगे बाकी जो भी तुहाडे मन च कोई भी रिजैक्शन नूं लैके कोई भी तुहाडे मन च सवाल ने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फाइल प्रोसैस करवानी चाहते हो प्रोसैस करवा सकते हो SOP नूं लैके साडे नाल मिल सकते हो पटियाला दे पातड़ा दे ब्रांच ऑफिस मैं परसनली मिल सकते हो अपॉइंटमेंट बेस है या नीचे कमेंट करके अपना सवालों का जवाब लै सकते हो। टिल दैन टेक केयर गुड बाय
ਰੱਬ ਰੱਖਾ।